पीपल आउट देयर, दिस इज विनय पनेकर। डे टू वापस से चालू हो गया है एंड कल रात में जो हल्दी का मजा आया था वो मजे लेते लेते सुबह के 4 बज गए थे एंड आज उठने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है, बट अब की मैं जो उठ गया हूँ, अब मैं निकला हूँ थोड़ी देर बाहर मार्केट में शॉपिंग करने के लिए। मेरे फ्रेंड ने एक्चुअली मुझे बोला था कि मेरे फ्रेंड्स के लिए डेफिनेटली क्या करना है, गिफ्ट लेना है, बट मैं गिफ्ट लेने भूल गया एंड राइट नाउ अब मैं बाहर आया हूँ। मैं देख रहा हूँ कि मुझे क्या अच्छा गिफ्ट मिलेगा तो मेरे दोस्त के लिए लेके जाऊँगा एंड उसी के साथ में मैं मार्केट यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि यूपी का मार्केट होता कैसा है। एंड मेरी मम्मी ने मेरे से 100 चीज़ें मंगाई है, यहाँ से तेल लेके आना, अचार लेके आना, ये करना वो करना, तो मैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आके देखने वाला हूँ। फिलहाल तो मैं गिफ्ट लेने जा रहा हूँ, क्लोथ स्टोर में आया हूँ। मैंने यहाँ पे आके मेरे दोस्त ने जिस हिसाब से बोला था कि एक शर्ट लेना है उसको, तो मैंने वो शर्ट ले लिया है एंड शर्ट देखते देखते मुझे एक और एक टी शर्ट पसंद आ गया, तो मैंने ऑलरेडी पूरा एक बैग भर के टी शर्ट लेके आया और मैं उसके साथ मैंने एक और ही खरीद लिया है, तो मतलब सारे पैसे पानी में गए कपड़े लेने में। इन्हें अच्छा खासा मुंबई का ही रेट लगा के दिया है मुझे, थैंक यू भाई, थैंक्स। और यहाँ पर मैं मेरा सबसे पहले इम्पोर्टेंट काम करा रहा हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए आप। शॉपिंग करते करते इतनी भूख लगने लगी थी तो मुझे लगा कि मैं अभी कुछ खाऊंगा नहीं, अगर मैंने कुछ खा लिया तो मेरे को घर का जो मेन सबसे अच्छे जो बिरयानी बन रही मुझे वो खाने नहीं मिलेगा, तो मेरे को लगा कि मैं जूस ही पी लेता और अपने पेट को शांत कर देता हूँ। राइट नाउ मैंने अभी अनार का जूस लिया है और मैं उसको पी के वापस जाऊँगा थोड़ा बहुत और सामान लेने के लिए। मैंने 2 बैग भर के कपड़े ले ही लिया है अच्छे वाले। उस वाले अंकल का जूस पीने के बाद में QR ही नहीं स्कैन हो रहा था। अंकल आपका QR स्लो है क्या? कनेक्ट नहीं कर रहा था अंकल का QR, तो अंकल ने मोबाइल की ट्रू करा। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपका QR नहीं कनेक्ट होता है तो फिर जूस पी के चले जाने का, वो गलती आपकी है ना। मम्मा ने मुझे बोला था कि अचार लेने के लिए और थोड़ा सा तेल लेने के लिए, तो मैं अभी वो लेने के लिए थोड़ा निकल पड़ा हूँ एंड अचार तो मुझे लगता है मुझे यहाँ पे मिलेगा कहाँ पर यहाँ पर जैसे जैसे शाम होती रहती है ना वैसे वैसे ठंडी बढ़ते जाती है, तो मेरे को सबसे बड़ा डर उसी चीज़ का है कि मैं ठंडी को बर्दाश्त कैसे करूँ, नज़दीक आती है ठंडी को भगाऊँ कैसे। गाँव आने के टाइम पे मैंने सारी शॉपिंग जो किया था लास्ट मिनट शॉपिंग किया था, तो मुझे लगा मुझे शूज़ लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सब कुछ मेरे घर पे रखा हुआ ही था। रात में जब मैंने पैकिंग करने चालू किया तो मैंने देखा कि यार मेरा शूज़ जो है चूहे ने काट दिया, तो मैं अभी फ़िलहाल आया हूँ शूज़ के शॉप में, मैंने शूज़ ले लिया है एंड ऑलमोस्ट मेरे को बेस्ट शूज़ मिला है जो मेरे DC को कम्प्लीट करे, जो मैंने जो भी कपड़ा सोच के आया था मेरे को उसके ऊपर ब्लैक शूज़ चाहिए था एंड मुझे मिल गया वो। फाइनली मेरा शू शॉपिंग, ड्रेस क्लोथिंग शॉपिंग, सारा शॉपिंग करके हो चुका है और मैं जा रहा हूँ घर की तरफ। मुझे लगी है बहुत जोरों की भूख, बिरयानी जो मैंने सुन के आया था वो बनी है कि नहीं बनी है और वो कितनी अच्छी बनी है, मैं वो खा के आपको डेफिनेटली अपडेट देता हूँ और उस टाइम तक आप बाय। कल रात हम लोग की बराबर 10 बजे नहीं हो रही है, जो मैं 10 बजे सोता था वो 10 बजे नहीं सो रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ 3 या 4 बजे। तो खाना खाने के बाद में मुझे वापस से भूख लग जाती है, तो मैंने सोचा कि मैं एक एप्पल ले लूँ। हमने कल के दिन पपाया लिया था, वो पपाया खा लिए थे, मस्त पेट भर गया था मेरा रात में वापस से एंड आज के लिए जुगाड़ करने के लिए मैं आया हूँ यहाँ पर एप्पल ले रहा हूँ आंटी से। आंटी कितने का एप्पल दिए? कितने का दिए? एप्पल 100 रुपए का 1.5 किलो। 100 रुपए का 1.5 किलो, महंगा महंगा दे रहे हैं आप, कम करो। अंकल आंटी मीठा वाला तो पूरा पीला पीला एप्पल है, हरा एप्पल है आंटी, देखो यहाँ से तो गया हुआ एप्पल है। देखो अक्सर क्या होता है पता है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना जो अपने इमेज के बारे में बहुत सोचते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जिसके पास अपनी इमेज ही नहीं होती है वही अपने इमेज के बारे में सोचता होगा, क्योंकि जिसके पास इमेज होती है सबसे पहले तो वो खुद सोचता है कि मैं कैसा हूँ। अगर वो अच्छा है तो उसको फिर फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि सामने वाले की इमेज कैसी है एंड क्या ही क्या है, क्योंकि मुझे ये बात बोलना यहाँ पर इसके लिए इतना ज़रूरी लगा क्योंकि मुझे लगता है कि ना लोग हर चीज़ कर सकते हैं पर लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है, लोग डरते हैं, लोग शर्माते हैं क्योंकि लोग क्या सोचेंगे, दूसरे बोल क्या बोलेंगे। बट मैं को आपको एक ही बात बोलना है कि दूसरे क्या सोचेंगे, दूसरे क्या करना है उसको, आपसे उसको आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी आपका एक इमेज आपके दिमाग में बना के रखा है कि मैं ऐसा ही हूँ और मुझे ऐसा रहना पसंद है, तो आपको फिर दूसरे के बारे में क्यों सोचना है, क्योंकि आपको रहना ना अपने साथ। यहाँ पे मेरे बेस्ट फ्रेंड का मस्त वाला दहेज आ चुका है, मेरे को दबा रहा है, मेरे को दबा रहा है।
वाओ मशरूम है यार। सील लगाए, सील क्या लेना चाहते हो आप? विनय कन्फेशन रूम में आओ। बोलिए बिग बॉस, क्या हो गया बिग बॉस, क्यों बुलाए? आप लखनऊ आए तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है बिग बॉस। मेरा बचपन से सपना था कि मैं पहले बिग बॉस में जाऊँ फिर लखनऊ जाऊँ। लखनऊ आ चुका हूँ, बिग बॉस में कमाऊंगा मुझे नहीं पता। और आपको ठंडी का इंतजाम यहाँ पे कैसा है? ठंडी का इंतजाम कुछ नहीं है, सब कुछ लेना पड़ रहा है यहाँ पे आके। चाय पे चाय पिए जा रहा हूँ। ठंडी का कुछ करना चाहिए? ठंडी का कुछ करना चाहिए। ठंडी का डेफिनेटली क्या करना चाहिए आपको पता है क्या? सबसे बेस्ट हीटर लाना चाहिए। हम लोग के रूम में हीटर नहीं, बुलाना चाहिए। और अगर और भी ज्यादा ठंडी लग रही है तो फिर जिसकी शादी हो रही है उसको बोल के एक और एक शादी मेरी भी करवा देना चाहिए भाई। चलेगा, अच्छा इंतजाम क्या हो सकता है? हमने आपके लिए फिर लड़की देख ली है। क्या बात कर रहे हैं? कार्डी बी। बिग बॉस, थैंक यू बिग बॉस। कार्डी बी मतलब अगर मेरी जिंदगी बन जाएगी और कार्डी बी ने मुझे हाँ बोल दिया तो फिर वो उसकी दूसरी शादी होगी, उसके वाइफ उसका जो आदमी है उसको लगेगा कि यार इसने तो मुझे धोखा दे दिया, उसके ऊपर कर्मा हो जाएगा। तो कार्डी बी नहीं चाहिए मुझे। थैंक यू बिग बॉस। आज का क्या प्लान है आपका? किधर कौन सी हाथ में मेहंदी लगाएगी, राइट या लेफ्ट? लेफ्ट हाथ में और राइट दिखाए पता। फिर आज पहली शादी के लिए हम लोग रेडी होने वाले। आप एक्साइटेड हो क्या? नहीं हो? या वेरी गुड, आपकी तो कल है, आपका अकेला एक्साइटेड हो। हम लोग मेरे दोस्त लोग एक्साइटेड है, ये सुनो हम लोग ने लाए मस्त मस्त कपड़े एकदम अच्छे वाले और अभी उसको आज पहनने वाले। आंटी आंटी आपके हाथ की मेहंदी दिखा दो एक बारी। ये आंटी को मैंने मेहंदी लगाया था और आंटी आंटी अच्छी लगी आपको मेहंदी? ये सुनो आंटी, थैंक यू सो मच आंटी।